हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगी होम डिजाइन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 10 फीट बाई 10 फीट का घर बनवाने में टोटल कितना बालू, गिट्टी, सीमेंट लगेगा, या 10 फीट बाई 10 फीट का घर बनवाने में टोटल कितना रुपए खर्च आता है, यही मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। सारी कैलकुलेशन हमने करके रखी हुई है, सिर्फ आपको बताना है कि कितना गिट्टी, कितना बालू, सीमेंट लगेगा या हमारा घर बनाने में कितना खर्च आएगा। यह वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 10 बाई 10 का रूम है, यह अंदर का 10 फीट बाई 10 फीट का है और बाहर 9 इंच की दीवार है। तो 9 इंच की दीवार इस साइड, 9 इंच की दीवार इस साइड, दोनों मिला के 11.6 फीट का होगा। और इस कमरे का प्लास्टर नहीं किया गया है। इस प्लान का बीम 9 इंच बाई 9 इंच का ही रहेगा। 10 फीट बाई 10 फीट का रूम बनवाने के लिए हमें पहले ईंट चिनाई की बात कर लेते हैं। तो करीब इसमें 3400 ईंट लगेगा, टोटल इसमें 3400 ईंट लगेगा। हमारे यहाँ 6 रुपए के हिसाब से ईंट है, तो इसका टोटल कॉस्ट 19600 रुपए आएगा। और 3400 ईंट चिनाई करने में टोटल 16 बोरी सीमेंट लगेगा। हमारे यहाँ सीमेंट रेट 400 रुपए है, 6400 रुपए सीमेंट का हो जाएगा। और ब्रिक वर्क यानी ईंट चिनाई में ही बालू लगेगा 60 फीट, हमारे यहाँ 60 रुपये पर फीट के हिसाब से रेट है, तो इसका 3600 रुपये हो जाएगा। यह अभी सिर्फ ईंट चिनाई का जोड़ा गया है। अब हम कॉलम का जोड़ लेते हैं। हमारे पास 4 कॉलम रहेगा। एक कॉलम बनाने में 8 क्यूबिक फीट मटेरियल लगेगा और इस हिसाब से 4 कॉलम का 32 क्यूबिक फीट मटेरियल लगेगा। और RCC बीम की बात कर लेते हैं। बीम में, एक बीम में हमारा 7 क्यूबिक फीट लगेगा मटेरियल। हमारे पास 4 बीम है, इस हिसाब से 28 क्यूबिक फीट मटेरियल लगेगा। हम स्लैब की बात कर लेते हैं। यहाँ 11.5 फीट और 11.5 फीट का स्लैब ढलाई करने में हमने 4 इंच का ढलाई पकड़ा है, तो इस हिसाब से 60 क्यूबिक फीट मटेरियल लगेगा। यह सिर्फ कंक्रीट मटेरियल था। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में टोटल 120 क्यूबिक फीट मटेरियल आ रहा है। इस प्लान में M15 का मटेरियल प्रयोग किया गया है। और इस हिसाब से हम देखेंगे तो सीमेंट हमारा ढलाई और बीम कॉलम में 18 बोरी लग जाएगा, जो कि हमारे एरिया में 400 के हिसाब से है, यह 7200 रुपये का हो जाएगा। और बालू 36 फीट लगेगा, हमारे एरिया में 60 रुपये फीट का है, 2160 रुपये हो जाएगा। गिट्टी टोटल 72 फीट लगेगी, 72 फीट गिट्टी 80 रुपये के हिसाब से 5660 रुपये लगेगा। इस प्लान में टोटल 4 कॉलम थे और छत ढलाई था। इन सब में सरिया हमारी 180 किलोग्राम लगेगी, हमारे एरिया में 60 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम 60 रुपये है, इस हिसाब से 10800 रुपये सरिया का कॉस्टिंग हो जाएगा। और इस प्लान में एक दरवाज़ा लगाया गया है जो कि 5000 रुपये कीमत का है और एक विंडो जो कि 3000 रुपये कीमत का है, यह दोनों मिलाकर 8000 रुपये है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। और इस प्लान में मैंने एक पंखा, एक बल्ब, एक बोर्ड का ही काउंट किया है, जिसका कीमत तार सहित 2000 रुपये हमने इसको जोड़ लिया है। टोटल हमारा मटेरियल खर्च 65520 रुपये आ रहा है। अभी हमने मजदूर खर्च नहीं जोड़ा हुआ है। टोटल मटेरियल का 35% मजदूर खर्च भी जोड़ लेते हैं, तब यह 22932 आ जा रहा है। टोटल मटेरियल और मजदूर खर्च हम जोड़ लेते हैं, तब यह 88452 रुपये आ जा रहा है। टोटल 10 फीट बाई 10 फीट का घर बनवाने में 88452 रुपये आ रहा है, प्लस इमरजेंसी में कोई भी 10-15 हज़ार और भी अन्य खर्च पकड़ लीजिए, जिसको मिलाकर टोटल 1 लाख रुपए खर्च मान के चलिए। इसमें प्लास्टर और प्लम्बिंग नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि कोई शिकायत सुझाव हो या हमसे कोई प्लान डिजाइन करवाना चाहते हैं, हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।